सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक गले का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम ये नेक डिजाइन बनाने जा रहे हैं ये आप कुर्ती की बैक साइड में या टॉप की बैक साइड में बना सकते हैं। अगर आपने फ्रंट साइड बनाना है तो इस गले को थोड़ा छोटा करके बनाना होता है। अगर बैक साइड में बनाना है तो आप इसको 9 से 9.5-10 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं आपको इस गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक कटिंग की हुई है, ये हमारी एक टॉप की कटिंग है जिसमें हम बैक साइड में डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमने जो कलर यूज कर रहा है करना है वो करना है ये वाला स्काई ब्लू, जो डार्क वाला ब्लू होता है ये वाला कलर हमने यूज करना है। और एक ली है हमने बुकरम, यहाँ पे जो बुकरम की चौड़ाई है वो चौड़ाई है यहाँ पे 10.5 इंच की, जिसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गला सबसे पहले हमें देखना होता है हमें डीप कितना रखना है। हमें यहाँ पे जो डीप गला रखना है तकरीबन 9 इंच का रखना है। अब देखेंगे हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच, और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4.5 इंच पे इस प्रकार से। इस निशान से इस निशान को ये वाली शेप देते हुए मिला लेते हैं इस तरीके की। अब हमने इसकी बाहर की साइड एक निशान और लगाना है, उसका गैप तकरीबन हमें 1 इंच का रखना है इस प्रकार, और इन निशानों को भी हम एक दूसरे से इसी प्रकार मिला लेते हैं, और इस निशान को नीचे तक लेके आएंगे इस तरीके से। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, सबसे पहले 3 इंच ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें, डीप लेंथ यहां पे निशान लगाएंगे जो 4.5 इंच पे, और इस निशान को इस तरीके की गोलाई देते हुए यहां पे मिला लेते हैं। अब हमने 1 इंच का गैप रखते हुए इसी तरीके से एक निशान लगाना है, यहां पे निशान हमारा प्रॉपर इसी शेप में आना चाहिए। ये दोनों निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नीचे की साइड हमने यहाँ पे गोलाई देनी है, गोलाई हम इस प्रकार से देते हैं। इस तरीके की हमने यहाँ पे ये गोलाई डालनी है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे, जो बाहर वाला निशान है ब्रॉड लेंथ वाला हमारा, यहां से इस प्रकार कटिंग करेंगे। और इस गोलाई पे, पूरी गोलाई पे हम कटिंग कर लेते हैं। अब जहां पे हमारी गोलाई की नोक आती है उस नोक से हम इस तरीके की कटिंग कर लेंगे यहां पे इस प्रकार से। इस पीस को अलग निकाल देते हैं। अब हमने यहां पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है बाहर की साइड। इस प्रकार हमने गले की कटिंग कंप्लीट कर ली है। दोस्तों जो गला हमारा ओपन करने के बाद आएगा वो इस शेप में हमारा गला आएगा इस तरीके से।
अब हमने ऊपर की साइड यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। जो डिजाइनिंग डालने के लिए कलर लिया मैंने, ये वाला कलर यूज करना है जो मैंने बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेप की पट्टियां कटिंग कर लेते हैं, दो दो पट्टी हम कटिंग करते हैं, और उनकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। ये हमारा 1.5 इंच का स्केल है, तो मैंने 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने दो पट्टी अपनी कटिंग कर ली है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगा। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों हम ये गला तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए नीचे की साइड हमें कपड़ा रखना है, इसी साइज का होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा। अब हम ऊपर से यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर इसको जड़ लिया है। अब हम बाहर की साइड आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे नोक आती है इस तरीके से कट लगा लेते हैं और इस कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेते हैं। पूरे गले में इसी तरीके से मार्जिन फोल्ड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जितना भी मार्जिन होता है, जैसे आधा इंच का होता है, ये हमने इस प्रकार से गले के ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैक साइड ऐसे रखेंगे, ऊपर की साइड इस तरीके से। अगर आप ये गला बैक में बनाना चाहते हो तो बैक रखनी है, फ्रंट में बनाना चाहते हो तो गले को छोटा कर ले नाप के अकॉर्डिंग। ब्लाउज में बनाना चाहते हो तो ब्लाउज में बना सकते हैं। इस तरीके से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जब हम नोक पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक धागा लेना है, उसको डबल कर लेना है इस तरीके से, अलग से धागा लेना है। और इस नोक के साथ में मैंने सुई नीचे रखी हुई है, जो नीडल है हमारी नीचे की साइड है। हम नीडल के बिल्कुल साथ में इस तरीके से, जैसे सपोज करो ये नीडल है, हमने ऐसे धागा लगाना है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से
हमने निडल के साथ साथ ये धागा अटैच करना है इस प्रकार से। और यहाँ पे हम एक टांका लगा लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने दूसरा टांका लगा दिया है। अब हम जब धागा ये धागे को इस तरीके से लेंगे तो ये धागा हमारा निडल के बीच में आ जाता है। ये देखो, ये जो धागा है हमारा सुई के बीच में है इस टाइम। इस धागे को हम नीचे की साइड निकाल देते हैं ऐसे। यहाँ पे ये धागा निकल गया नीचे की साइड। ये हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी नोक निकालते हुए हमें दिक्कत ना आए। इस धागे को जब हम गला पलटेंगे और धागा खींचेंगे तो नोक अपने आप निकल जाएगी। बाकी सिलाई सेम लगाएंगे। पूरे गले में बुकरम के साथ साथ सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमने ये सिलाई कंप्लीट की है और धागा हमने यहाँ पे जो नोक वाला टांका है उसके बीच में फंसा लिया है इस तरीके से। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट करने के बाद जहां पे हमारी गोलाई आती है वहां पे हम इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगा लेते हैं सिलाई के नजदीक तक। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के नजदीक तक हमने कट लगाने हैं पूरी गोलाई में। कट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस गले को पलट लेते हैं। सबसे पहले दो साइड है जो इनको पलट लेते हैं इस प्रकार। अब हमने पलटना है बीच वाला पीस जिसमें मैंने यहां पे ये धागा डाला हुआ है। इसको पलटने के लिए हम इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेते हैं और ये बीच में से हमें पलटना है। यहाँ पे बीच में से इस तरीके से हल्का हल्का, ज्यादा आपने खींचना नहीं है, इस तरीके से हल्का हल्का खींचते जाना है। और किसी भी चीज की मदद से आप इसको बाहर की साइड निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुई से। इस तरीके से सुई से निकाल लें इसको। आपने धागा अभी नहीं खींचना है क्योंकि अगर अभी आप धागा खींचते हो तो धागा टूट जाएगा। अब हमने यहां पे धागा खींचना है हल्का हल्का इस तरीके से, थोड़ा सा और सुई से, क्योंकि लंबी नोक होने के कारण इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। इस प्रकार जब हमारा ये पीस यहां तक इतना पलट जाता है ऐसे, अब हम धागे को खींचेंगे और इस तरीके से हमारी ये नोक निकल जाएगी यहाँ पे ऐसे धागा खींचने के बाद। इस धागे का यही फायदा होता है, जब हम इसको बीच में डाल देते हैं टाके के तो यहाँ पे हम जब खींचते हैं तो नोक निकल जाती है अच्छे से। कहीं पे भी अगर आपको नोक निकालनी हो और आपको नोक निकालने में दिक्कत आती हो तो इस तरीके से आप धागा डाल के नोक निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको गले को सीधा करके और प्रेस करके दिखाऊंगा कि ये हमारा गला किस तरीके से आएगा।
यहाँ पे मैंने नोक निकाली है धागे के थ्रू। दोस्तों इस तरीके से हमने ये गला अपना सीधा कर लिया और प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। ये नोक हमने जो निकाली थी धागे के थ्रू, धागा भी हमने नई कटिंग किया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे तब भी हमें एक बार इसको खींचनी होती है नोक को। हमें क्या करना है, अभी ऊपर से पट्टियाँ अटैच करनी है इसके, जो ये हमने रेब की पट्टियाँ कटिंग की थी। सबसे पहले इन रेब की पट्टियों को हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं, एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे। इस तरीके से हमने एक पैर चौड़ी ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको किसी भी चीज से पलट लेते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने तो झाड़ू की ये सीक ली है। झाड़ू की एक सीक निकालनी है आपने और उसको छोटी तकरीबन 10 से 11 इंच की बना लेनी है, इस तरीके से तोड़ के या कटिंग करके। अब हम इसको एक साइड से इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे आप इसको सुई की मदद से भी निकाल सकते हो। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप झाड़ू की सुई की मदद से भी पलट सकते हो इस प्रकार से। अब हमारी पट्टी है इस प्रकार से आ जाती है पलटने के बाद। अब लगानी है हमें इसको ऊपर से यहाँ पे। अब हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड, ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहां पे हमें इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऊपर से यहाँ पे ही पट्टी आएगी इस प्रकार से, ऐसे हल्का सा यहाँ पे गैप भी रह जाए तो गैप हमारा पट्टी के नीचे ही रहना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारी सेंटर वाली नोक होगी इसके ऊपर इस साइड सिलाई लगाएंगे, और ये पट्टी हमें आगे की साइड कहीं पे भी अटैच नहीं करनी है, यहाँ पे हमारा ये गैप रहेगा।
एक साइड दोस्तों इस तरीके से हमने ये पट्टी अपनी कंप्लीट कर दी है। अब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे। दूसरी साइड अटैच करने के लिए भी सेम तरीका यही रहेगा। एक साइड से हम शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन एक साइड से करनी है आपने ना। और यहाँ पे हम ऊपर की साइड पट्टी रखते हुए सेम इसी तरीके से पट्टी लगाते जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड अपनी ये पट्टी अटैच कर दी है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम इसको प्रेस से अच्छी तरीके से सेट करेंगे और जो एक साइड रहती है हमारी ये वाली, इस पे भी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये दोनों साइड पट्टियाँ अपनी कंप्लीट कर ली है और ये बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।